नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन और टेक इट इजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक पोर्टेबल रिचार्जेबल फैन आपके लिए लेके आया हूं। ये एक फोल्डिंग टेबल फैन है, एलर कंपनी की तरफ से ये आता है। तो ये बॉक्स पहले हम ओपन करेंगे, देखेंगे इसमें बॉक्स कंटेंट क्या क्या हमें मिलता है, फैन जो है वो कैसा है, इसका क्वालिटी कैसा है, स्पीड कैसा है, बिल्ड क्वालिटी कैसा है, सब कुछ हम देखेंगे और आपको भी साथ में दिखाते रहेंगे। और अंत में मैं अपना वर्डिक्ट देने वाला हूँ कि ये जो फैन है ये आपको लेना चाहिए कि नहीं। तो चलिए फटाफट इसको बॉक्स ओपन कर लेते हैं। दोस्तों ये रहा मेरा बॉक्स, देखिए ये एलर कंपनी का है, पोर्टेबल फोल्डिंग चार्जिंग फैन। मॉडल नंबर है एलर 2200। इसमें कुछ डिटेल्स लिखा हुआ है, जैसे इसका बैटरी बहुत बड़ा है, बोल रहा है सुपर बिग बैटरी, फोल्डेबल स्टोरेज ऑन डेस्क एंड इन बैग, थ्री स्पीड विंड रेगुलेशन, हाई और मिडिल लाइट कंट्रोल, 24 आवर्स रन टाइम, 180 डिग्री फ्रंट और बैक एंड लेफ्ट राइट डायरेक्शंस फॉर विंड एंड लाइट। तो अभी आ जाते हैं दोस्तों साइड में। यहाँ पर थोड़ा सा बॉक्स हल्का सा डैमेज हुआ है, तो यहाँ पे देखिए कैसे एंगुलर इसका पोजीशन हो सकता है वो दिया गया है, और यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिया गया है फैन के कौन सा पार्ट में क्या है नहीं। आ जाते हैं बैक साइड में भी कुछ देखिए डिटेल्स लिख रहा है, मल्टी एंगल डायरेक्शंस, 5 घंटा 24 मिनट का रन टाइम, फोल्डेबल स्टोरेज और सुपर बिग बैटरी। और इस तरफ आ जाएंगे, इसमें फीचर्स लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे देखिए मेथड्स ऑफ यूज़ कैसे यूज़ करना है पूरा डिटेल्स इसमें लिखा हुआ है, और कुछ अटेंशंस मतलब कुछ डूज एंड डोंट्स इसमें लिखा हुआ है। तो अभी ऊपर की तरफ आ जाएंगे, ऊपर में देखिए यहाँ पे दो कलर ऑप्शन में अवेलेबल है, एक वाइट और एक पिंक। अभी चलिए ओपन करते हैं। रहा मेन आइटम, और इसके साथ एक यूएसबी टाइप बी केबल दिया गया है, तो इसको भी साइड कर देते हैं। अभी आ जाते हैं मेन जो फैन है उसके तरफ। आप देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे एक एरो का साइन है, इसको यहाँ से उठा सकते हैं आप ऐसे, और फिर इसमें देखिए ये ऐसे फोल्ड करने के बाद यहाँ पे एक जो स्टैंड दिख रहा है वो ऐसे, तो ये जेड के जैसा, जैसे हम लोग देखते हैं वैसा, देखिए ये जेड के जैसा ये फोल्ड होता है और फिर ये ओपन भी होता है, और इसको हम ऐसे करके इसको सेट करेंगे तो ये ऐसा बैठ जाता है। अभी अगर देखेंगे दोस्तों यहाँ पे देखिए दो बटन है, पहला वाला बटन के नीचे यहाँ पे जो साइन है ये एक्चुअली लाइट का है, और इस साइड में जो है ये फ़ैन का है। तो लाइट का बटन अगर प्रेस करेंगे तो देखिए इसके सेंटर में जो लाइट है वो जल रहा है। सिमिलरली इसको फर्स्ट टाइम जो बटन प्रेस करने से जो जलता है वो हाई इंटेंसिटी वाला होता है, नेक्स्ट टाइम करेंगे तो इसका इंटेंसिटी थोड़ा लो होगा, नेक्स्ट ऑफ। और फैन की तरफ आएंगे तो पहला फ़ैन का देखिए ये फ़ैन स्टार्ट हो गया है, हालांकि इसमें साउंड आ रहा है दोस्तों, इसको आप साउंडलेस नहीं बोल सकते, नॉइस है इसमें। फिर से सेम बटन को प्रेस करेंगे तो ये स्पीड और बढ़ गया, और यहाँ पे देखिए लाइट का इंडिकेशन भी दिख रहा है। अभी देखिए ये दो नंबर लिखा हुआ है, इसमें लाइट जल रहा है, और फिर से प्रेस करेंगे तो देखिए लाइट चेंज होके मूव होके थर्ड में आ गया है। तो ये भी एक इंडिकेशन इसमें एक्स्ट्रा दिया गया है जो जनरली इस रेंज के दूसरे फैन में अवेलेबल नहीं होता है, तो इससे आपको पता चलेगा कि कितना स्पीड में ये चल रहा है। और फोर्थ टाइम फिर प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। ये नॉर्मल पोजिशन है जो फोल्डेड पोजिशन है, इसको उठा के आप ऐसे रख सकते हैं, चाहे तो इसको और उठा के ऐसे भी रख सकते हैं। इसकी अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो ये बिल्ड क्वालिटी इसका मुझे ठीक ठाक लगा, इस प्राइस पॉइंट पे ठीक ठाक है। इसका जो ब्लेड का जो साइज है काफी बड़ा है, पर इसमें थोड़ा सा साउंड है, तो मतलब इसमें अगर आपको कुछ नॉइस रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है तो आप ये बिल्कुल ले सकते, पर नॉइस से अगर कुछ प्रॉब्लम है तो इसको कंसिडर करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो दोस्तों आपने ये प्रोडक्ट देखा, ये लगभग
एक फीट हाइट इसका बन जाता है जब ये अनफोल्ड होता है, और ये जब फोल्ड करके रखेंगे तो ये इतना सा छोटा है। दोस्तों सबसे पहले आ जाते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये जो पूरा बॉडी है प्लास्टिक है, इसका जो मेश जो ऊपर नीचे जो ग्रिल दिया गया है ये सारे प्लास्टिक का ही है। इसका जो स्टैंड है ये भी प्लास्टिक का है, पर प्लास्टिक होने के बावजूद भी इसका बिल्ड क्वालिटी उतना ख़राब नहीं है, लगभग स्टर्डी फील होता है। बहुत ज़्यादा हेवी तो आपको नहीं बता सकते हैं, पर ये ठीक ठाक लग जाता है, इसका क्वालिटी जो है ठीक ठाक लगता है। इसमें दोस्तों दो पॉजिटिव चीज़ मुझे लगा, एक तो ये रिचार्जेबल है और ये फोल्डिंग है, तो ये आसानी से आप इसमें इसको कभी भी बैग में कैरी करके आप कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, कैंपिंग वगैरह के लिए आप कहीं पे घूमने जा रहे हैं तो इसको लेके जा सकते हैं। तो एक फुल फ्लेजेड एक फ़ैन आपके साथ जा रहा है, और साथ में इसमें जो लाइट है ये लाइट का भी इंटेंसिटी काफ़ी अच्छा है, तो ये भी आपको काफ़ी काम आने वाला है। और एक चीज़ देखिए, ये पोर्शन में एक छोटा सा पॉकेट जैसा है, इसमें भी आप इमीडिएट ज़रूरत पड़ती है ऐसे छोटे मोटे सामान आप इसमें रख सकते हैं। और इसका ये फोल्डिंग होने के कारण इसका बहुत सारा अलग अलग पोजीशन हो सकता है, जैसे ये ऐसा है, इसको हम ओपन करेंगे तो डायरेक्टली आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं इसको, और इसको अगर हाइट बढ़ा के यूज़ करना है तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, या इसको उठा के ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस डायरेक्शन में टोटल 180 डिग्री तक ये सर्विस देता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये 180 डिग्री का इसका कैपेसिटी है। सिमिलरली यहाँ से भी देखिए, ये वाला पोर्शन आप मूव कर सकते हैं, इसको भी यहाँ तक रख के यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि इसमें भी आपका 180 डिग्री हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरफ से ये 180 डिग्री का रोटेशन इसमें सपोर्टेड है। तो ये काफ़ी हद तक इसका क्वालिटी मुझे अच्छा लगा। इसका फ़ैन का जो स्पीड है ये भी काफ़ी अच्छा है, आप काफ़ी दूर से लगभग 5 फीट दूर से भी आप इसका हवा जो है महसूस कर सकते हैं। ये दोस्तों डिपेंड करेगा आपको कैसा यूसेज है उसके ऊपर, अदरवाइज़ ये फ़ैन मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा है और मैं आपको ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा। दोस्तों और एक चीज़ है, यहाँ पे नीचे की तरफ फ़ैन के नीचे की तरफ एक ऑन ऑफ बटन दिया गया है, इसको अगर आप ऑन करेंगे तभी ये आगे वाला जो स्विच है ये सब काम करेगा। सिमिलरली ये अगर ऑफ़ करके रखेंगे आप ये वाला बटन, तो देखिए स्विच ऑफ़ हो गया। तो ये एक एक्स्ट्रा एडिशनल प्रोटेक्शन भी है, इसके ज़रिए आप अगर ऑन ऑफ कर देंगे तो गलती से भी इधर बटन प्रेस हो जाता है तो ये लाइट या फ़ैन डायरेक्ट चालू होने का कोई सवाल नहीं होता है। दोस्तों इसका फ़ैन जब ऑन रहता है तो इसका जो नॉइज़ काफ़ी अच्छा है, आप अभी सुन पा रहे हैं मेरे इस वॉइस के साथ साथ इसका नॉइज़ भी आपको माइक्रोफोन में कैच होते हुए सुनाई दे रहा होगा। और इसके साथ साथ और एक चीज़ मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया, वो है ये वाला जो बेस है इसका जो ये है, थोड़ा सा मुझे आप देख सकते हैं एकदम स्ट्रेट रखेंगे तो ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा ऐसे डाउन करेंगे देखिए, तो ये मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया। ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार इसको एकदम फ्लैट सरफेस में रख सकते हैं, कोई भी थोड़ा सा सरफेस जहाँ पे थोड़ा सा आगे की तरफ बेंट हो तो ये नीचे जाने का चांसेस है। नेगेटिव साइड जो मैं दोनों बताया उसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, उतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी ये है नहीं, क्योंकि फ़ैन में थोड़ा बहुत आवाज़ जनरली बहुत सारे फ़ैन में होता ही है, तो ये बहुत ज़्यादा हेवी प्रॉब्लम है नहीं। हालांकि और एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके बॉक्स में लिखा हुआ है 24 आवर्स का रन टाइम और 5 आवर्स का चार्जिंग टाइम। हालांकि इसमें 24 आवर्स का जो रन टाइम है वो लाइट के बारे में बोला गया या फ़ैन के बारे में बोला गया है, कितने स्पीड में होगा ये इतना कुछ मेंशन इसमें प्रॉपरली नहीं है। तो फिर भी दोस्तों ऑन एन एवरेज अगर बात करेंगे तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी लंबा चलने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगने से वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल टेक इट इजी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही ढेर सारे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेके आता हूँ, तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर टाइम पे मिल जाएगा। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।